अब आपको बताएं, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा कदम, बॉर्डर टास्क फोर्स कायम कर दी गई है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा राहिल सैयद से। जी राहिल सैयद, बताइएगा, बॉर्डर टास्क फोर्स कायम कर दी गई है, क्या तफसीलात हैं? जी जैनब, ये बड़ा कदम उठाया गया हुकूमत की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए। इस हवाले से बॉर्डर टास्क फोर्स कायम कर दी गई है, जिसके जो चेयरमैन है वो कलेक्टर कस्टम प्रिवेंटिव होंगे, जबकि इस जो टीम बनाई गई है इसके अंदर आईएसआई, आईबी, एफआईए, एएनएफ के अलावा आर्म फोर्स का भी एक नुमाइंदा शामिल होगा। इस बॉर्डर टास्क फोर्स का मकसद ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए आपस में वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जाए, और तमाम एजेंसियां जो है इसके हवाले से जो है मालूम का आपस में तबादला भी करेंगी। जराए का कहना यह है कि अंडर इन्वाइसिस और ओवर इन्वाइसिस करने वाले बिजनेसमैनों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और ये टास्क फोर्स जो है तमाम ऐसे लोग और जो कारोबारी लोग हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके इन्वाइसिस को भी चेक किया जाएगा, और जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होंगे उनके खिलाफ वो भी बनाई जाएगी, और सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ठीक है, सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद आपका।